Good morning, children. Today we will learn GK. Everybody, open your GK book. Page number 14. देखो, page number 14 में कुछ exercise दिए गए हैं. चलो, हम उसको करते हैं. अच्छा बच्चों देखो, number one में क्या लिखा गया है? Write down what we do in each of the following rooms. यहाँ पर कितने सारे room के picture दिए गए हैं? यहाँ पर रूम्स के नेम दिए गए हैं. हमको ये बताना है कि हम उस रूम में क्या करते हैं. पहले पिक्चर में देखो क्या लिखा है. किचन. किचन का पिक्चर दिया गया है. तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किचन में हम क्या करते हैं? किचन में हम कुक करते हैं. तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुक. देखो उसके बाद क्या है? ड्राइंग रूम. ये ड्राइंग रूम का पिक्चर है ना? हाँ. तो फिर बताओ ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं? मीट गेस्ट्स. देखो उसके नीचे क्या है? बेडरूम में हम क्या करते हैं? सोते हैं. तो फिर हम क्या लिखेंगे? स्लीप. ओके. नीचे देखो डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? डाइनिंग में हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. तो फिर हम क्या लिखेंगे? ईट. समझ में आया? देखो बाथरूम. ये बाथरूम का पिक्चर है. बाथरूम में हम क्या करते हैं? बाथ. ओके बच्चों, इस तरह से आपको नंबर वन करना है. नीचे देखो टू नंबर में क्या लिखा गया है? वी फाइंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन आवर होम्स. सी द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस. दो नंबर में कुछ पिक्चर दिए गए हैं जो हम लोग हमारे घर में देखते हैं. हम उनके नाम को लिखना है. ये कौन सा पिक्चर है बोलो? फ्रिज. कौन सा पिक्चर है? फ्रिज. ये कौन सा पिक्चर है? टीवी. ये कौन सा पिक्चर है? टेबुल. टेबुल का स्पेलिंग क्या है बच्चों? TABLE. टेबुल. ये देखो बच्चों, ये किसका पिक्चर है? देखो फैन का स्पेलिंग क्या है? FAN. फैन. उसके बाद देखो ये कौन सा पिक्चर है? बेड. BED. बेड. उसके बाद देखो ये किसका पिक्चर है? लैम्प का स्पेलिंग क्या है? LAMP. लैम्प. उसके बाद देखो ये किसका पिक्चर है? चेयर. CHAIR. चेयर. उसके बाद देखो ये किसका पिक्चर है? सोफा. SOFA. समझ में आया? फ्रिज, टीवी, टेबुल.
क्वेश्चन नंबर थ्री में सी द पिक्चर्स एंड राइट हाउ मेनी ऑफ दीज यू हैव। देखो यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स के कुछ पिक्चर दिए गए हैं, हमें कितने हमारे वो हैं बॉडी पार्ट्स हमको लिखना है। हाउ मेनी आई यू हैव, हाउ मेनी आईज टू, तो फिर आपको क्या लिखना है टू। यहां पर देखो हाउ मेनी इज ईयर यू हैव, आपके पास कितने ईयर्स है टू। उस बॉक्स में आपको टू लिखना है। हाउ मेनी नोज यू हैव, हाउ मेनी वन। हाउ मेनी लीव्स लीव यू हैव, वन। हाउ मेनी हैंड्स यू हैव, आपके पास कितने हाथ है दो, यहां पर टू लिखना है। हाउ मेनी टोज यू हैव, आपके पास पैर की उंगली कितने हैं, हाउ मेनी टोज टेन। नंबर थ्री को आपको दिए गए पिक्चर के नीचे जो बॉक्स है आपको इस तरह से फिल अप करना है। नेक्स्ट चलो देखते हैं पेज नंबर 16। देखो राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स यू यूज फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। देखो वी स्मेल विथ आवर नोज, हम स्मेल किससे करते हैं हमारे नोज से, तो फिर ये क्या हुआ वी स्मेल विथ आवर नोज। स्टेथो की मदद से आपको
सीजर कहां पर है? ये सीजर है ना, बी को आई के साथ मैच करना है। उसके बाद देखो एक एक कोबलर शूज रिपेयर कर रहे हैं, वो किसके मदद से करेगा? शू पॉलिश और ब्रश के साथ। आपको सी को डबल आई के साथ मैच करना है। देखो एक टीचर कुछ बोर्ड में लिखकर पढ़ा रही है, तो फिर आपको किसको आपको किसके साथ इसको मैच करना है? बोर्ड के साथ। तो फिर आपको डी को बी के साथ मैच करना है। यहाँ पर देखो एक टेलर कुछ कपड़े स्टिच कर रही है, तो फिर आप स्टिच करने के लिए क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए। यहाँ देखो थ्रेड कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, ई को आई बी के साथ मैच करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को आपको मैच करके करना है। इस एक्सरसाइज को आपको आपके बुक में करना है और याद रखना है। और एक बच्चों देखो पेज नंबर 18 में एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको इस एक्टिविटी को नंबर 2 और 3 को